राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित उत्सव गांधी स्मरण में आप सब अतिथि का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख मार्गदर्शक थे। महात्मा गांधी केवल भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के प्रेरणा स्रोत हैं। आज के समाज में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा, शांति और सौहार्द। हमारी संस्था के लिए ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर है क्योंकि आज हम अपने छात्रवृत्ति धारकों की संगीत नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से गांधी जी व उनके आदर्शों का स्मरण कर रहे हैं। आज का दिन हम सबके लिए यादगार होने वाला है क्योंकि आज हम एक बेहतरीन नृत्य प्रस्तुति देखने जा रहे हैं। सभी मान्य अतिथियों से आग्रह है कि वे गांधी जी के चित्र पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ करें व स्वस्ति वाचन का आनंद लें। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं सीसीआरटी के अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी से निवेदन करती हूँ कि वे श्री राकेश गुप्ता व पंडित चेतन जोशी जी को अंग वस्त्रम व पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। सीसीआरटी निदेशक श्री ऋषि कुमार विशेष जी से अनुरोध है कि वे इस मंगल अवसर पर अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी, डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी, राकेश गुप्ता जी, श्रीमती टी वाचानी जी, संस्थापक निदेशक रूट्स टू रूट्स, मेरे सहकर्मी डॉक्टर श्रीवास्तव, अन्य साथी, रसिक जन, अभिभावक और प्यारे बच्चों, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2018 से पूरा देश गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। सीसीआरटी ने भी पिछले वर्ष से बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए। आज उन कार्यक्रमों का समापन है। पिछले एक वर्ष में हमने गांधी जी के सत्याग्रह से लेकर और स्वच्छाग्रह तक की
यात्रा के संबंध में न केवल डांस बैले बल्कि प्रदर्शनी भी आयोजित की। हमारे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, गांधी जी की तालीम, गांधी जी के दर्शन पर समय समय पर लेक्चर डेमोंस्ट्रेशंस आयोजित किए गए। आज इस समापन समारोह में भी हम एक बार पुनः सबके प्यारे राष्ट्रपिता बापू का स्मरण उनके कुछ बहुत ही चुने हुए पसंदीदा भजनों के साथ करेंगे। हमारे छात्रवृत्ति धारक जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक नया रूप दिया, वो भी आज आपके सामने नृत्य और संगीत के द्वारा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी अध्यक्षा महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से जो हमें समय निकाल कर दिया, उसके लिए मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये मार्गदर्शन उनका हमारे साथ सदैव बना रहेगा। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री राकेश गुप्ता जी और श्रीमती टीना वाचानी जी, जो रूट्स टू रूट्स संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके फाउंडर डायरेक्टर्स हैं। ये संस्था भी काफ़ी वर्षों से संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य कर रही है। रूट्स टू रूट्स के माध्यम से लगभग 25,000 स्कूलों के बच्चे सप्ताह में दो बार संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ लेक्चर डेमोंस्ट्रेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे टू वे कम्युनिकेशन वार्तालाप के जरिए ये कार्यक्रम बिल्कुल सजीव वर्चुअल क्लासरूम की तरह से हो रहा है। गुप्ता जी जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो पायोनियर रहे हैं। आप सभी ने कॉल सेंटर्स BPOs का नाम सुना होगा। सो देश में उस प्रणाली को लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और अब अपने अनुभव, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी स्किल्स को वो संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं वो रूट्स टू रूट्स के माध्यम से। मैडम टीना वाचानी जी भी एक बहुत ही संपन्न फिलेंथ्रॉपिक फैमिली से बिलोंग करती हैं और पूर्ण रूप से अवैतनिक ऑनरेरी सर्विसेज ये दोनों रूट्स टू रूट्स में दे रहे हैं। हम लोग भी CCRT रूट्स टू रूट्स के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं और रूट्स टू रूट्स के माध्यम से CCRT का जो डाटा बैंक है, CCRT के जो रिसोर्सेज हैं, उन सभी को हम देश भर के डाइट्स से और देश भर के स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों से जोड़ने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारे छात्रवृत्ति धारक जो समय समय पर पूरे वर्ष हमें गांधी जी के स्मरण को कराने के लिए बहुत ही संगीत और नृत्य के माध्यम से अद्भुत प्रस्तुति देते आ रहे हैं, आज उन्होंने पिछले 3 दिन में बहुत मेहनत कर ये प्रस्तुति तैयार की हैं। लेकिन उनके मार्गदर्शन में पंडित चेतन जोशी जी और पंडित राजेंद्र गंगानी जी का विशेष योगदान है। हमारी CCRT के विजिटिंग फैकल्टी भी हैं, हमारे संस्कृति की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें उनका अमूल्य योगदान है। मैं उनका और इन सभी संस्कृति धारकों का, छात्रवृत्ति धारकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज इनके अभिभावक, इनके पेरेंट्स भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से वर्किंग डेज होने के बावजूद भी अभिभावक भी पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल, और मैं देख पा रहा हूं उनके प्राचार्य, उनके निदेशक, उनके मार्गदर्शक भी यहां पर हैं। सो इन सभी बच्चों का और इनके निदेशक, इनके जितने प्रभारी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इस समारोह की सफलता में आप सभी का योगदान मिला है और भविष्य में भी CCRT को यह योगदान मिलता रहेगा। धन्यवाद।
मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर हेमलता एस मोहन जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह सभागणों को संबोधित करें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतंगमय। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई एक्सटेंड अ वॉर्म वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, रेस्पेक्टेबल मेंबर्स इन द डायस, आवर चीफ गेस्ट मिस्टर राजेंद्र गुप्ता एंड मिस टीना वचानी, और मेरे सहयोगी ऋषि वशिष्ठ, डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, और प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम एक बड़े ही विशिष्ट समारोह में उपस्थित हैं और गांधी जी को याद कर रहे हैं, जैसे आप सबको पता है कि उनकी हम गांधी जी का 150वां जन्म दिवस का जो हम समापन समारोह कह सकते हैं इसको, कल हम करेंगे, और आज यहाँ हम उनको एक विशिष्ट तरीके से याद कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है सबको जानना, वो ये कि गांधी जी आज पहले से भी कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। पहले से ज़्यादा अब हमें सच को समझने की आवश्यकता है, पहले से ज़्यादा कहीं अहिंसा को समझने की आवश्यकता है, और सत्य अहिंसा, इसके साथ साथ उन्होंने हमें, जैसा सभी को पता है, स्वच्छता और सबके प्रति स्नेह भाव, मैत्री भाव, ये जो उन्होंने हमें सिखाया, इसकी मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व को बहुत आवश्यकता है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि द्वय यहाँ हैं, श्री राकेश गुप्ता जी और मिस टीना वचानी जी, ये लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ हमें, जैसे एक पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ें ही नहीं हो तो वो खड़ा हो पाएगा, हाँ या नहीं? नहीं। इसी तरह से अगर हम बहुत तरक्की कर लेते हैं लेकिन अगर हमें जड़ें हमारी पकड़ के ना रखें, तो हमारी तरक्की कुछ ऐसी है कि किसी भी एक हवा के झोंके के साथ कभी इधर कभी उधर स्विंग करेगी या गिर जाएगी। तो आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों को बहुत मजबूत रखें, हम बहुत गहरी अपने आप को जोड़ के रखें। और ये हमारी जड़ें क्या हैं, कोई बताएगा? हमारी जड़ें क्या हैं? हमारी जड़ें हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें अच्छा काम करना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, अहिंसा के रास्ते पे चलना, अपने परिवेश को पहचानना, अपने वातावरण को पहचानना, प्रकृति से प्रेम करना, सारी चीज़ें, और जितनी भी हम अभिव्यक्ति जानते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा संस्कृति का जो सूत्र है वो है, ये सब करते हुए आनंद में रहना। और आनंद में रहने के लिए जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, वो सब मिलजुल के गाओ, सब मिलजुल के नाचो, सब सीखो, हमारी शास्त्रीयता है, हमारी लोक परंपराएं हैं, हमारी लोक कलाएं हैं, और ये क्या है, ये हमें आनंद देने वाली है। तो हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, खूब सारा आनंद, खूब सारे अच्छे संस्कार और खूब सारी अच्छाई। पूरे विश्व में एक भारतीय संस्कृति ऐसी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा करने के लिए कहती है। तो और हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को मार्क्स नहीं अच्छा है तो क्या पता चलता है कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। नहीं अच्छा है तो फिर से कोशिश करो, पर ये फिर से कोशिश करो वाला भाव कब आएगा, जब आनंद में रहोगे। और आनंद में कैसे रहोगे, जब खुद से और अपनी मिट्टी से जुड़े रहोगे। फिर ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, पर हो सकता है कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाए, नहीं ध्यान दिया उस समय, मम्मी पापा और टीचर बोल तो रहे थे
कि पढ़ाई करो, लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्स के बहकावे में आ गए, चलो हमने टाइम वेस्ट किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वक्त दिया, लेकिन साथ ही साथ सेल्फ रियलाइजेशन यानी हमारी गलतियाँ क्या है ये समझने की जो क्षमता है ये हमारी संस्कृति हमें देती है। तो फिर जब ऐसा होता है तो हमें ये पता होता है कि अच्छा हाँ अब गलती तो हो गई है लेकिन इसको ठीक करना है और दोबारा नहीं करना है, तो फिर हम दुगनी मेहनत करते हैं, हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें संस्कृति हमारी सिखाती है, हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारे भाव सिखाते हैं, ये हमारी अच्छाई सिखाती है, ये हम सबके मिलजुल के आपस में रहने के जो भाव हैं वो सिखाते हैं। तो आज जब हम गांधी जी को जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपिता क्यों हैं ये सबको पता है, उनको हम जब याद कर रहे हैं एक बार पुनः उनको हम अपने अंदर जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार पुनः उनकी प्रासंगिकता को, उनके दिए हुए जो हमारे उनकी जो दी अच्छाइयाँ जो उन्होंने हमें रास्ते बताए, सत्य हिंसा का मार्ग बताया, स्वच्छ रहने की कला सिखाई, उसको दोबारा करते हुए दोबारा जीते हुए हम सबको आज कम से कम इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर, समापन अवसर पर ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाएंगे और साथ ही साथ सब कम से कम दो पेड़ लगाएंगे, जहाँ कहीं भी हो दो पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं। और मैं तो हर बच्चे को बोलती हूँ कि वो अपना एक नाम भी रखें वृक्ष से जुड़ा हुआ। मैंने अपने सभी बच्चे, जितने भी जिन भी बच्चों को मैं जानती हूँ, जितने भी विद्यालयों से मैं जुड़ी हूँ, मैं सबको बोलती हूँ एक वृक्ष जिसकी अच्छाई आपको समझ में आती है, मैं इसके जैसा मेरे में भी ये अच्छाई है, तो उसका नामकरण, मैं उस वृक्ष की तरह, उसकी तरह अपना एक नाम भी रखें। तो आज हम साफ रहने का, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हुए ये भी संकल्प लें कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, स्वच्छता में हमारा योगदान बना रहेगा। और ये जो बच्चे हैं, मुझे पता है अभी थोड़ा अंदर स्टफी है और सब लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इनके कार्यक्रम देखें, तो अब बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेके हमारे स्कॉलरशिप के बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से अप्रिशिएट करती हूँ और सारे डायट्स के टीचर जो यहाँ आए हैं उन सब का बहुत बहुत साधुवाद अदा देती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू वेरी मच। मुख्य अतिथि श्री राकेश गुप्ता जी से अनुरोध है कि वे रसिक जनों को संबोधित करें। आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं 150वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए गांधी जी की। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके मुख्य एक प्रोग्राम था अहिंसा। हम सब मानते हैं अगर हम कल्चरली सारे के सारे कल्चर से जुड़े हुए हैं तो अहिंसा अपने आप आएगी। और आज हम जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, संस्कृति का प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में संस्कृति का प्रोग्राम हो रहा है और कल भी होगा 2 अक्टूबर को, तो ये एक जुड़ी हुई चीज़ है जिससे कि संस्कृति और अहिंसा साथ साथ जाती है। मैं मानता हूँ कि जो आदमी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है वो हिंसा नहीं कर सकता, और इसी को मानते हुए साथ ही साथ जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो स्वच्छ भी रहेगा। संस्कृति के साथ आप कभी भी गंदगी नहीं देखेंगे। तो कल्चर, अहिंसा और स्वच्छता, ये एक साथ सब जुड़ी हुई चीज़ है। और ये जो गांधी जी का मैसेज था इसको सब हम प्रमोट कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब हम इसको अब्जॉर्व कर लेंगे और ये आगे हमारे साथ जाएगा। हम इसको मानते हुए आज जैसे ऋषि जी ने बताया आपको कि सारे स्कूलों में हिंदुस्तान में हम आज जुड़े हुए हैं रूट्स टू रूट्स के माध्यम से कल्चरल एजुकेशन देने के लिए स्कूल लेवल पर। ये आप मान के 2 करोड़ बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें डेली क्लासेस होती हैं एक प्रोग्राम के तहत, जिसमें सबका सारे स्कूलों को टाइम टेबल जाता है, करिकुलम बना हुआ है, और मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं। ये इंटरैक्टिव क्लासेस हैं और हम देख रहे हैं लास्ट 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं
और हमें जो स्कूलों से फीडबैक आ रहा है, जो इम्पैक्ट का असर आ रहा है, वो आप जान के, मैं अभी भी बताता हूँ, एक मेरी मुलाकात हुई कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय से, उन्होंने कहा कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारे स्कूलों में झगड़े कम हो गए। तो झगड़ा क्या है? हिंसा है। तो हम आज कल्चर से अहिंसा को प्रमोट करें, यही मेरा मानना है, और मैं सब चाहता हूं कि आप सब लोग मिलके ये हमारे साथ सबके सब ये काम करें। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि अब हम एक प्रोग्राम देखें जो सब तैयार किया गया आपके लिए, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं उन बच्चों को जिनको सीसीआरटी की तरफ से इजाफा मिला हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आगे भी वो ऐसा काम करें कि और उनको प्रोत्साहन मिले इसमें। थैंक यू। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रस्तुत है गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर रचित एकला चलोरे गीत पर पंडित चेतन जोशी जी एवं पंडित राजेंद्र गंगानी जी द्वारा जुगलबंदी। आप सभी को नमस्कार। मुझको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सो नहीं रहे हो, इसलिए एक बार जरा तालियां बजाओ। तो ये बात, वैसे देखा जाए तो ये जुगलबंदी न कहकर इसको गांधी जी की स्मरणांजलि हम कह सकते हैं, क्योंकि एक महापुरुष को याद करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई कहकर, कोई फूल चढ़ाकर, कोई दीप दिखाकर, या कोई उनकी किताबों को पढ़कर या उनके भाषण को दोहराकर याद करता है। हम कलाकार कैसे स्मरण करते हैं? हम गाने से, नृत्य से, तबले से उनको याद करते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथक नर्तक हैं, जयपुर घराने के अधिष्ठाता हैं, इस समय मुखिया हैं। मैंने बांसुरी की थोड़ी बहुत तालीम ली है और अभी भी ले ही रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ। और मेरे साथ जो पीछे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा अर्शदीप, ये हम लोगों के साथ तबला बजाएगा। ये जो सीसीआरटी जहां आप बैठे हैं, यहां स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे संगीत में, नृत्य में, कलाओं में अच्छा करते हैं, तो अर्शदीप यहां के स्कॉलर हैं और कई कार्यक्रमों में बजा चुके हैं। आप देखिए कितना ज़ोरदार तबला इनका है, इस कार्यक्रम में तो बजाएंगे ही, इसके आगे के भी कार्यक्रमों में ये बजाने वाले हैं अभी। और हम लोगों ने जो गीत चुना है स्मरण करने के लिए, वो महात्मा गांधी जी का बहुत प्यारा गीत था, जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था और उसको स्वरबद्ध किया था। हमारी जो परफॉर्मेंस है उस गीत के आधार पर है, तो आप कृपया इसको इस ढंग से ना देखें कि गीत का एक एक स्वर, एक एक शब्द कैसे बज रहा है। उस गीत का आधार लेकर के हम लोगों ने ये कंपोजिशन की है। तो इस प्रकार से एक साथ हम न केवल महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को भी याद कर रहे हैं, और उनके दिया हुआ जो संदेश है कि यदि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो अकेले ही करिए, कोई बात नहीं, बाद में लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, ये इस संदेश का। तो इन सब का मिश्रण एक साथ करके हम ये स्मरणांजलि दे रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, हम लोगों की कोई रिहर्सल नहीं है, तो कल खाली थोड़ा सा साउंड चेक हम लोगों ने किया था यहां पे, बाकी जो भी होगा वो इंस्टेंट होगा, मुझको भी नहीं पता क्या होगा। तो आप सबसे इजाजत लेकर शुरू कर रहा हूं। Thank you.
Request the audience to give a round of loud applause and welcome the young scholarship holders who are about to give an unforgettable musical dance presentation on Vaishnav Janto Tene Re Kahiye evam Raghupati Raghav Raja Ram Gandhi Ji's favorite bhajans. Thank you.
Honorable Chairperson, Dr. Hemlata S. Mohanji, to award the certificates to the recipients, to the performers. आप सबका बहुत स्वागत है और इतने खूबसूरत कार्यक्रम और प्रस्तुति के बाद अपने आप में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम की प्रस्तुति ही है। मित्रों, मैं क्या कहूँ, तीन दिनों से जो हम लोग चार दिनों से लगे हुए हैं इस पवित्र यज्ञ में, उसका आज समापन है और इतना सुंदर होगा इसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। यह सब आप लोगों के स्नेह का परिचायक है। कोई शक नहीं कि गांधी जी हमारे जीवन में जिस तरह से रचे बसे हैं, ऐसा लगता है कि भारत के करोड़ों लोगों की वो भाषा हैं, करोड़ों लोगों की आशा हैं। वो एक भाषाई समन्वय के सेतु हैं, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में, गुजराती से हिंदी में, मराठी से तेलुगु के वो सेतु हैं। वो सारे धर्मों के सेतु हैं, कोई धर्म उनसे अलग नहीं हो सकता। सारे क्षेत्रों को बांट के चलने वाले देश के वो नायक हैं। कोई यूं ही महानायक नहीं बनता जैसे गांधी बने हैं। गांधी में कुछ खूबियां थीं जो आज हम उनको मना रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। मित्रों, पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंसा का वातावरण है, पूरे विश्व में आज अहिंसा की ज़्यादा ज़रूरत है। गांधी जी ने जिस तरह से लोगों का अपना पखाना तो सभी लोग साफ करते हैं, गांधी जी ने उन दलित दमित गरीब लोगों का पखाना साफ किया और स्वच्छता सिखाई, आज हम उनको नमन करते हैं।
ये हमारी सीख है, हमारी तमीज़ है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि जो समाज का अंत्यज है, वंचित है, हम उसको सिर पे बिठा लें, उसको सम्मान दें, उसको मान दें। ये गांधी ने बताया। गांधी ने पहली बार प्रहलाद के सत्याग्रह को, क्योंकि प्रहलाद ने जिस तरह से हिरण्यकश्यप अपने पिता के विरुद्ध ही सत्याग्रह किया, आधुनिक रूप में गांधी ने नया सत्याग्रह अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया। मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजियत के विरुद्ध किया, क्योंकि एक बैरिस्टर आदमी जो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी बोलने वाला है, भारत में आके वो गुजराती भाषी हिंदी को अपनाता है। आप गांधी वाङ्मय पढ़ें, कोई ऐसा विषय नहीं है भाइयों, मित्रों, हमारे सारे छात्र बैठे हैं, हमारे सारे अध्यापक बैठे हैं पीछे, हमारे सारे गुरुजन बैठे हैं, वो जानते हैं कि सिनेमा से ले के, फिल्म से ले के, कला से ले के, साहित्य से ले के, भाषा से ले के, उद्योग से लेके, कुटीर उद्योग से लेके, कोई ऐसा विषय नहीं है जो गांधी से अछूता रहा हो। इसीलिए गांधी महानायक हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने यह बात बताई कि कितनी ज़रूरत है आज के समय में अहिंसा को ग्रहण करने की। वही गांधी की प्रासंगिकता है। अपने सम्मान्य निदेशक महोदय का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने यह कहा कि गांधी कितने ज़रूरी हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे समय के लिए। मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ श्रीमान राकेश गुप्ता जी का और श्रीमती टीना वाचानी जी का कि उन लोगों ने आकर के सच में जो जड़ें हैं, रूट्स टू रूट्स, उनसे हमें जोड़ा और पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। आपको बहुत CCRT की ओर से, हमारे अध्यक्ष महोदय और निदेशक महोदय और मेरी ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई। मैं मित्रों एक बात कहना चाहता हूं, इसमें हमारे इतने साथी लगे हुए हैं, हमारे आर्यन पब्लिक स्कूल, जो आर्यन स्कूल है, जो BED स्कूल है उत्तम नगर, वहां के हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो ये ग्रेट मिशन स्कूल द्वारका है, वहां के विद्यार्थी हैं, साथ ही 11 जो बच्चे हमारे प्रस्तुत किए हैं, 4 दिनों से लगातार सतत यज्ञ में लगे हुए हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो उनका नाम, उनके आदर, क्योंकि वही हमारे आज के हीरो हैं, तो मैं उनका नाम अर्पित करना चाहता हूं पूरी ब्लेसिंग के साथ कि श्रीमान पंडित चेतन जोशी और पंडित राजेंद्र गंगानी, क्योंकि ये दोनों ने बहुत कड़ी मेहनत की है, वो दोनों आदरणीय हमारे लिए हैं, और दोनों ने जिस तरह से संगीत की प्रस्तुति ही नहीं दी बल्कि संगीत का निर्देशन किया, उन दोनों के प्रति हम नतशिर हैं। CCRT के लिए, हम CCRT की ओर से उनको हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मित्रों, आपकी सहमति हो तो उन बच्चों का नाम एक बार हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं। माही धेरी, शोभा जोशी, ताशी सिंह, वीथी सिंह, ईशानी पुट्टाटुंडा, निकिता कुमारी, अर्शदीप सिंह जो तबले पे थे, सुदुप्तो चक्रवर्ती, अमर भोला जो बांसुरी पे थे, यू साई संगीता, मौन्या कृष्णा, सुंदर सनम और अनिशा राय, इन बच्चों ने हमारा ज्ञानवर्धन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया और ये बताया कि गांधी को हम संगीत से, कला से, नृत्य से समझ सकते हैं। जैसे कि चेतन जी ने कहा कि हर किसी के समझने का माध्यम गांधी का अलग अलग है। तो मित्रों, गांधी तो पाश्चात्य संगीत में भी गहरी रुचि रखते थे और एक बार तो छड़ी पर पाश्चात्य संगीत पर नाचने लगे थे। तो गांधी की बातें फिर कभी, लेकिन आज हम बहुत धन्यवाद ज्ञापन के रूप में सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से जो उनके साथ 4 दिन से आए, सारे टीचरों को जो आज बच्चों के साथ आए हुए हैं, और हमारे CCRT के स्टाफ को, विशेष रूप से हमारे स्कॉलरशिप सेक्शन को, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ 1 महीना पहले मुझे मिली है, हमने उनको संयोजित करके ले चलने का जो दुर्लभ प्रयास किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही जो प्रोडक्शन विभाग है, जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, जो ट्रेनिंग विभाग है, उन सबको मैं अत्यंत आदर के साथ स्मरण करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं अंत में स्मृति चोपड़ा जी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उत्साह के साथ संचालन किया। नमस्कार, धन्यवाद।